नमस्कार सकाळ ओडिसा को स्वागत करछु ममय वर्तमान संपूर्ण खबर ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर फुटला गुड़ बोमा एथिर जनक जीवन जाता बेले जनक अवस्था गुरुतर रही से अन्य जने आहत होती कामाख्या नगर अनंतपुर कॉलोनी साहिर तोफान पात्र कटक चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होती घटना आकाश नायक गुरुतर अच्छा राजकिशोर नायक आहत होती पूर्व शत्रुता को केन्द्रको यही गुड़मार बोमामार होता सन्देह कर तेज किए एपरी गुड़ और बोमामार कर अस्पष्ट रही कामाख्या नगर सारंगधर स्टेडियम निकटे राति रे एभली घटना घटीला घटनास्थल एक कार उपर 6 रन गुड़ी सह बमामर होइतबा सूचना रहिछि एने कामाख्या नगर पुलिस तदंत आरंभ करिछि। संक्रमण कमिची तथापि एवं सब् खोलामेला हेनी तेणु लॉकडाउन आंशिक कोहल कर सरकार 17 जिले में सकाल 6 रु संध्या 5 जाए खोला 13 टी जिले में 6 दिन गोटाए भाई खोला रूर्व सेलून जिम मॉल धर्मानुष्ठान बंद गरीबनी गाड़ी सभा समिति उपरे कटकणा बलवत्त रहिबो नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत सटडाउन और जुलाई 1 सकाल 5 जाए नुआ गाइडलाइन बलवत्त रहिबो घोषणा करिसेंति मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र। कटकणा अधिक कोहल करिसेंति सरकार कैटेगरी ए रखाई 17 जिला एवं यह सब जिले में कोविड संक्रमण यथेष्ट ह्रास पाई राज्य सरकार यह सब जिला मानक वर्तमान सप्ताह 5 दिन सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत सकाळ 6 रु संध्या 5 पर्यंत समस्त दुकान खोला रहिबो। सेपटे संक्रमण अधिक 13 उपकूल जिले में टिके ढिला करिसेंति सरकार अनुगुल भद्रक बालेश्वर कटक ढेंकानाल जाजपुर जगतसिंहपुर खोर्धा केन्दुझर केन्द्रापड़ा मयूरभंज नयागढ़ और पुरी जिले में सका 6 रु दिन गोटाए पर्यंत कोहल होइछि कटकणा जुलाई 1 सका 5 जाए बलवत्तर रहिब नुआ गाइडलाइन एवं सारा राज्य में बलवत्तर रहिब नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत सटडाउन एसब जिला मानक सका 6 रु वर्तमान जो सका 7 रु 11 पर्यंत केवल अत्यावश्यक दुकान सब खोला रहा ता बदल वर्तमान सका 6 रु दिन गोटाए पर्यंत केवल एसेंशियल कमोडिटीज दुकान सब खोला रहिबो। समय अवधि मध्य दुकान तो खोलिबो हेले सेलून और शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल पूर्व भली बंद रहिबो तेरे मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग को अनुमति देछंती सरकार तेरे बंद रहिबो जिम और पार्क स्कूल कॉलेज भी खोलिबनी बंद रहिबो बस परिवहन भक्तों पाई मंदिर और अन्यान्य धर्मानुष्ठान बंद रहिबो साइकिल दुकान और ग्यारेज खोलिबो 17 कम संक्रमित जिले में उठा दुकानी को बिक्री अनुमति मिली तेरे दुकानु केवल पार्सल नहीं हेबो खाई हेबनी दुग्ध चाषी स्वार्थ दृष्टि रखी अनुमति मिलता समय सारा राज्य में खोला रहिबो मिठा दुकान तेरे मिठा दुकानु केवल पार्सल नहीं हेब बसी खाई हेब ना सेपटे बह व्रत और शुद्धिक्रियाई पूर्व नियम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनैतिक कार्यक्रम बंद सेपटे संक्रमण कमी छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमार प्रवेश कटकणा हटि हेले पश्चिमबंग और आंध्र सीमार पूर्व भली जारी रटकणा सारा राज्य समय भितर वैक्सीनेसन एवं टेस्टिंग जो मर कोविड लक्षण अच्छे से माने टेस्टिंग से जापर एग्रीकल्चर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री तार जिते एक्टिविटी अच्छे इनक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन सब एक्टिविटी चलो सब शिल्प संस्था को चलने समय अलाउ कराई एंटायर स्टेट रे सब निर्माण कार्य एवं तार रिलेटेड जिते दुकान अच्छी हार्डवेयर दुकान ठू आरंभ करके पेंट्स दुकान ठू आरंभ कर विभिन्न दुकान एवं इलेक्ट्रिकल दुकान इत्यादि सब दुकान समय भितर खोला रहिबो। मे 5 तारीख रु राज्य आरंभ होता लॉकडाउन एवं एबे विभिन्न जिले में कटकणा आंशिक कोहल होता बेले जुलाई 1 तारीख पर्यंत जारी रहिबो अन्य समस्त कटकणा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कटकणा कम कोहल बेसी पूर्वर प्राय समस्त कटकणा को बलवत्त रखिछन्ति राज्य सरकार दुग्ध चाषी स्वार्थ को देखे मीठा दुकान खोलने को देखते अनुमति से कम संक्रमण जिले में उठा दुकान को बिक्री बटापी मिली सुजोग किंतु सिनेमा हॉल की जिम खोला नताश होती हॉल मालिक जिम सेंटर परिचालक
कमुची संक्रमण हेले तृतीय लहर आशंका थिबारु पूरा पूरी अनलॉक करिबाकु चाहि नहांती राज्य सरकार तेणु पूर्व कटकणा टिके कोहड़ होईछि बढ़ाई दिया जाइछि कोहड़ अवधि अत्यावश्यक सामग्री किणाबिका पई पूर्वरु सकाळ 7टारु दिन 11टा जाय कोहड़ कर जायतिला ताहा पूर्वरु ओ परे एमिति 3 घंटा बढ़ाई दिया जाइछि 13टी जिल्ला रे सेहीपरी 17 जिल्ला रे एही अवधि को संध्या 5टा जाय वृद्धि करा जायछि तेबे मीठा दुकान खोलिबाकु मिलिछि अनुमति अवश्य खाई हेबनी किंतु पार्सल नहीं हेबो दुग्ध चाषी स्वार्थ को देखी ए निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार जहाँ को स्वागत करी ओडिशा दुग्ध चाषी महासंघ से कम संक्रमित जिले में उठा दोकानी को बिक्री दि जाए अनुमति जिम और पार्क बंद रोते लोक मैंने मर्णिंग वाक और जगिंग करें बोली मुख्य शासन सचिव कहते संक्रमण संपूर्ण कमी नथिबारु आंशिक कोहल निष्पत्ति को अधिकांश जिलार लोके समर्थन मिठा दुकान गुड़िक खोला रही दुग्ध चाष उपर निर्भर करवा दुग्ध चाषी मान जीवन जीविका सुरक्षित रहिबो कारण दुग्ध दुग्धजात द्रव्यर बिक्री हेबो व्यवसायी मान मिठा तैयारी करने दुग्ध चाषी क्षीर किणवाई बाध्य है कोल्टा एगार गोटे पर्यंत जो कोहल हो किसी मिठा दुकान समेत किसी दुकान खोलाई व्यवस्था कराई ये दृष्टि जीवन जीविका उपर भल पदक्षेप आज सरकार जो पदक्षेप नहीं सतटा रू एगारा जो जगत सिंहपुर जिला था कटक कोहल टी कराई गोटे जगह कराई यहाँ गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप आम सरकार को इसमें धन्यवाद देवा चाहूँ पूर्व सब कटक प्रायत बलवत सेलून जिम मल सिनेमा हल खोल ना बंद रस पर स्कूल कॉलेज खोल को चाहि ना सरकार कोविड कटकणा जोगु सिने शिल्प भुसुड़ी पड़ता बेले व्यापक क्षति सही हल मालिक एथर अनलॉक रे हल खोलिबो बोली जो आशा थिला ताहा मौड़ी जाइछि सेहीपरी यात्रा परिवेशन को अनुमति मिली नथिबारु दुख प्रकाश करिछंती कलाकार सेमिति ऑल ओडिशा जिम एसोसिएशन कहिछि कोरोना बेले शारीरिक स्तर रे फिट रहिबा दरकार ता सत्वे काहेकि जिम खोलिबा को अनुमति दिया जाउ नाही बोली प्रश्न करछंती फिल्म इंडस्ट्री आर्टिस्ट टू ले टेक्नीशियन टू ले कर्मचारी पर्यंत वर्तमान परिस्थिति दिने खाइले दिने उपास तेणु कौन करल मानक अवस्था शोचन यह निश्चित स्वागत योग्य पदक्षेप कहीं कोरोना संक्रमण आधिक मात्रा बढ़ी पारे किंतु सरकार एक कथा चिंता करने दरकार स्वल्प वेतन आहरी से अवस्था कौन हो फिजिकल एक्सरसाइज इज मैंडेटरी आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रंग करने कि दुखर सहित जाना पड़ी जे आप मद दुकान को खोली कि जिम को बंद रखिंट आमको आर्थिक साहय कि मिलना लॉकडाउन 1 मिल ना लॉकडाउन 2 रे किसी मिलनी सरकार सब ये खोलुवा बेले आम बारिक लोक मैंने केमी चलिए जदि यह कोविड कटकण से जदि समस्ते रे ना असुविधा समस्त गरीब लोक चलिए केमी बहुत असुविधा तेणु से सरकार किसी पैकेज घोषणा करूँ कोविड स्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखिंट राज्य सरकार आउ 15 दिन में संक्रमण हार किभली रोचे ताकू देखी अनलॉक निष्पत्ति नहीं पारती केन्द्रापड़ारु कैलाश साहू जगत सिंहपुर पिनाकी महंती एवं भुवनेश्वर सुमंत सुंदराय न्यूज 18 ओडिया राज्य में कोहल कटक अत्यावश्यक सामग्री किणाबिका 17 जिले में सकल 6 संध्या 5 और 13 जिले में सकल 6 दिन गोटा जाए समय वृद्धि 17 जिला मध्य आसूँ रायगढ़ जिला तेणु आज अत्यावश्यक सामग्री दुकान सकल 6 संध्या 5 पर्यंत खोल ते मार्केट में कोविड गाइडलाइन कड़ाकड़ी भाव पालन करने को दिखाई निर्देश कटका को कोहल स्वागत करते स्थानीय लोके ए विषय अधिक आलोचना करने रायगढ़ सीधासख जोड़ मो सहयोगी जगवन गरड़िया जगवन जो देखा आपण जिला क्यों काटागोरी आसूँ बर्तमान से लोक तो स्वागत करते बर्तमान केमी बर्तमान से स्थित रही
ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ସକାଳ 6-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ନିୟମ କୋହଳ ହେବା ପରେ ସକାଳ 6-5 ଯାଏ ଯେଉଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅତି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଦୋକାନୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବଭଳି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ହେଉ, ଉଭୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, କୌଣସି ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ନାହିଁ, ଏଭଳି କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ରାୟଗଡ଼ା ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ନେଇ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଜିମ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା, ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ରହିଥିଲା ପୂର୍ବଭଳି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଯିଏ ଯିବେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଫେରିବେ ବା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବଭଳି ସମସ୍ତ ନିୟମ ସମାନ ରହିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଥବା 2-3 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଯେଉଁ କିଛି ନଥିପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 7 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ କିମ୍ବା ଟୀକା ନେବା ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ ସେମାନେ 14 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତର 14 ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆଂଶିକ କଟକଣା କୋହଳ ଉପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ସରକାର ପୁଣି କଠୋର ହେବେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକା ପାଇଁ ସକାଳ 6:00 ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଖୋଲିଲା ମାର୍କେଟ। ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ କଟକଣା କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କିଭଳି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଜାରି ହେଲା ନୂଆ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଲକଡାଉନ୍ କଟକଣା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ କାଟାଗୋରୀ ଏରେ 17 ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କାଟାଗୋରୀ ବିରେ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କାଟାଗୋରୀ ଏରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କହିବା, ରାଉରକେଲା ସହରରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 17 ଜିଲ୍ଲା କାଟାଗୋରୀ ଏରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 6-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଉରକେଲାର ବାସନ୍ତୀ ମାର୍କେଟରେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଯେଉଁ କୋହଳ କଲେ। ଦେଖିଏ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ, କଲ୍ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷିତ କିଏ ହେ, କେସେ ଆପ ଲୋକ ବେପାର ପହଲେ ସେ କେସେ ତ ଆପ କ୍ୟା ସୋଚ ରହେ। ଅଭି ତୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ପହଲେ ସେ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ଔର ପହଲେ ତ ବହୁତ ପରେଶାନୀ ମେ ଥେ ଲୋକ, ଅବ ଜବ ସେ ଖୁଲ ଗିଆ ହେ 6-6:30 तक खुला है, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा भी रहेगा और बिजनेस भी चलेगा बढ़िया। लोग परेशान थे बंद के हिसाब से, बहुत परेशान थे लोग और अभी अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए दुकानदार लोग भी खुश है कि भाई इतना टाइम मिल गया, बहुत अच्छा से मिला। पहले बहुत कम समय था, लोग परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, अभी बिजनेस बढ़ेगा, हम लोग अच्छा बढ़ रहेगा, ये आशा करते हैं हम लोग। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଯେଉଁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବେପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ଆଶା କରୁଥିଲେ କି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କରାଯାଇଛି ନବବିବାହ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ରୀତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇନି, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସହ ଶେଷ ହେବ ଏ ବର୍ଷର ଶୀତଳଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା।
ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଆଜିର କ'ଣ ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ଯଦି ଆଜି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ହେବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ? शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। देखि पारथुबे अमीय सीधासळक दृश्य से आलौकिक अवतार देवदेव महादेवंकर वृषभारूढ़ अच्छा देवदेव महादेव लोकनाथ बाबा और माता पार्वती सिंहारूढ़ अच्छा युगल दर्शन जेहेतु गंठाड़ पड़ी नवविवाहित देवदंपति वर्षक थे संबलपुर सुजोग मिलता है शोभायात्रा होता है किंतु दु वर्ष है शोभायात्रा होना ए वर्ष शोभायात्रा ना केवल निकटवर्ती अंचल लोक स्थानीय लोक दर्शन करते आज शोभायात्रा ना दर्शन लगे आसी कोरोना महामारी लगी दुई वर्ष है शोभायात्रा नहीं बाहर बार है मुझ आयोजक कमिटी मानक धन्यवाद देमी कि से मंडप में शांति श्रृंखला सहित जुगल दर्शन जो व्यवस्था करिछन बहुत बढ़िया करिछन ना आगे तो जुगल दर्शन आम गली सामने करूँ जोटा कि सहर परिक्रमा करूला से जिनसा दुई वर्ष है नहीं पार्बार सीधासलख दृश्य कोविड कटकणा को जमी पालन करार व्यवस्था करमिटी तरफ कमिटी तरफ सानिटाइज करानिटाइज मेसीन लगी जो मैंने स्थानीय लोक केवल देखो जुगल दर्शन महत्व हूँ जुगल दर्शन मुख्यतः वर्ष तमाम मंदिर भितर देवदेव महादेव पूजा पाई वर्षक थे शीतल षष्ठी समय बाहर को आसी बहत करवाहित देवदंपति देवदेव महादेव माता पार्वती को सांगरे धरी नगर परिक्रमा करिथांति एवं जेहेतु नगर परिक्रमा करा जाऊ नाही तेणुकर जुगल दर्शन जे एभली दर्शन वर्षक थरे मिलिथाय बहुत पुण्य रहिछि जहा मत प्रकाश पाइछि स्थानीय लोकंकर किमा जो एहा जेहेतु एक आस्थार विषय तेणु देवदेव महादेव माता पार्वती को गंठाड़ पड़ा अवस्था देखि पारथे मु देखाइ देबाकू चाहे अमी आउ थरे से गंठाड़ पड़िछि से जो गंठाड़ पड़िछि महादेवंक ठारु वृषभारूढ़ महादेवंक ठारु से गंठाड़ पड़िछि एवं माता पार्वती को गंठाड़ पड़ा अवस्था नवविवाहित देवदंपति को दर्शन कले अशेष पुण्यफल मिलता है जहाँ रही पूर्व जहाँ मान्यता रही तेणु लक्ष लक्ष लोक दर्शन करने आसी था कि जेहेतु कोविड महामारी ए वर्ष आसुना तेणु आयोजक कमिटी तरफ केवल मंदिर परिसर में ही नवदंपति को यथर कोविड गाइडलाइन ये दर्शन कर मंदिर जेहेतु नवदंपति को दर्शन कले पुण्य मिलसी बोले गोटे आशा और विश्वास रही है संबलपुर शीतल षष्ठी बोले वर्ष तमाम टाकी दिशन जे जुगल दर्शन कले पवित्र जुगल दर्शन कले वर्ष सारा भल रहसी संबलपुर बासी तथा शीतल षष्ठी जतार परंपरा 400 वर्ष इतिहास के इतर दुई वर्ष हलान परंपरा खाली पालन होचे इतर कमिटी सदस्य कहते देखा देवा कहें देखिपार जो संपूर्ण लोकाचार बहुत जमी होता है अमी देखिपार खट पलंग ठार कूलर रही देवदेव महादेव कूलर व्यवस्था एवं घर करणा सामग्री वर्षक पूरा समस्त प्रकार खाद्य खाली जे मीठा फल आलु ठार आरंभ कर चाउल विभिन्न प्रकार सामग्री जहाँ जमी साधारण झीटटे को बहुत दि जाए सेमती सबु प्रकार सामग्री दि जाऊँच खट पलंग आरंभ कर समस्त प्रकार विद्युत चालित जंत्रपाति जमी कूलर ठार आरंभ कर समस्त जिनस दि जापटे साक्षी गोपीनाथ जे आसी साक्षी रही जो परंपरा रही साक्षी गोपीनाथ आखी रही देवदेव महादेव माता पार्वती को बहुत में साक्षी रही से बहुत शुक्ल ज्येष्ठ शुक्लपक्ष पंचमी तिथि बहुत अनुषित होता बोली जहाँ साक्षी रही से साक्षी गोपीनाथ तेना जो परंपरा रही धन्यवाद संबलपुर अधिक आज जुगल दर्शन महत्व कथा बुझाते कही रखुचु जो कोविड कटका मंदिर परिसर में महादेव माँ पार्वती बहुत संपन्न होता सूचना रखुते कोविड टीका परिचय पत्र में राशन कार्ड है सामिल जो राशन कार्ड फोटो थी देखने हिताधिकारी टीका नहीं पारे ए निर्देश कार्यकारी कर सब् जिलापाल चिठी लिखे स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप महापात्र पूर्व आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइंग लाइसेंस भाई छटी परिचय पत्र को टीका व्यवहार करता बेले केन्द्र सरकार का नियम था एवं यह तालिकार जोड़ी होती फोटो थिबा राशन कार्ड।
नयगढ़ एक जघन्य कांड जड़े नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या सन्देह माणिकचा थाना अंचल खेली जाइए चांचल्य निखोजर पांच दिन पर मिली छह वर्ष बयस जड़े नाबालिकार गलित मृतदेह नाबालिका खंड विखंड मृतदेह मिलथवर यह हत्याकांड पुलिस सन्देह कर घटन से गांव जन युवक सगर दोले को गिरफ कर पुलिस पांच दिन ते नाबालिका जनक गांव दाणी में खेलता बेले हठात निखोज होते बुधवार गांव पाख एक परित्यक्त स्थानूर तार मृतदेह उद्धार करा तेज नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या करा सन्देह कर नयगढ़ एसपी सिद्धार्थ कटरिया के नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पहुंची नाबालिकार मृतदेह उद्धार करने सहित अधिक तदंत कर एसपी कहते घटनार तदंत चली खूब शीघ्र अधिक तथ्य सामना को आसब इन्वेस्टिगेशन चली प्रमाण सब लगे डेड बॉडी मिला तो बेसी प्रोसेस प्रोसीजर भी धरा से डेड बॉडी भी मिला माने को बस कोर्ट रे जीवो गां का पिला थिला ये तो मु इन्वेस्टिगेशन मु कही भी था मु कही भी है ना पर से एक्यूज भी धराई छी से डेड बॉडी भी मिलला बुलेटिन वेट बुलेटिन।